समझा ना, मैं सच मुंह के ऊपर बोल देता हूँ ना, तुम लोगों का गांड पटके चार होता है। बहुत दिन से चुप बैठा हूँ, चुप बैठा हूँ, चुप बैठा हूँ। साला हद होता है भैंचोद, यहाँ पे आके सब कुछ कटालने का। अरे क्लैन का लीडर है चूतिया साला, आज तक एक कुछ कर नहीं पाया, एक डिसीजन पे आ नहीं पाता, अपना सोचता रहता है, फिर बोलता है क्लैन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज ही घंटा भैंचोद। मेरे पे टीम नहीं है कोई, कोऑर्डिनेशन कब बनेगा? तब बनेगा ना, क्लैन के बंदे खेलने खेलने के लिए आए। क्लैन के बंदों को तो कुछ लोग आए हैं, बस रैनमो के साथ खेलना है या उनके साथ खेलना है ताकि उनका चैनल चले, है ना? हम बुलाते तो आते नहीं, कभी नहीं आते। एम्पेरर और न्यूक्लिया जो दो मेन बंदे खेलते हैं अभी, फिर आए डायनमो। डायनमो का टाइमिंग अलग, मेरा टाइमिंग अलग है। फिर आता है अल्फा, दूसरे क्लैन वालों के साथ खेल सकते हैं, अपने क्लैन वालों को जगह नहीं दे सकते। जबकि क्लैन का यही सीन था कि जो क्लैन के मेंबर आए तो पहले क्लैन के मेंबर को लो। एक क्लैन बनने के पहले मैं दूसरे क्लैन में था तो मुझे भी निकल दिया जाता था कि तू दूसरे क्लैन में है अभी, तो मैं बोला चलो फिर स्लॉट के लिए हाइड्रा ज्वाइन करते हैं। तो क्या फायदा क्लैन का जब कोई खेलने नहीं आते हैं डॉल? सीधी सी लॉजिक है भाई, सभी अपने फायदे के लिए हाइड्रा में लोग आते हैं। बिकॉज हाइड्रा का एक नाम हम लोगों ने एक टाइम पे बनाए थे, जो कि डायनामो क्लेम कर रहे हैं अभी कि सिर्फ उसके लिए हुआ है। हम तो कुछ थे ही नहीं, रैंक पुश तो अकेला कर लेता था, हम तो कुछ करते ही नहीं थे, हेल्प ही नहीं करते ना, उसके अकेले की वजह से हो गया। कितना बोलूँ भाई, बोलने बैठू ना, ये जो सामने सब लोग अच्छे बन के घूमते हैं ना, सबका निकल जाएगा। जब क्वालिफायर चल रहा था ना, आपने एक बंदे के पास, रुद के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मोबाइल डिवाइस नहीं था, सिर्फ आईपैड था, और आईपैड अलाउड नहीं है, सबको पता होगा। पीएमसीओ का जब क्वालिफायर चल रहा था, तो हाइड्रा का दूसरा टीम थ्री मैन खेल रहे थे, उस बंदे को किसी ने एक फोन देके मदद तक नहीं किया था। क्यों भाई, एक फोन में कितना पैसा खर्चा होगा तुम लोगों का? मैं बोला भाई देख, मैं तो कमाता नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं उनके लिए एंट्री करा दिया इसने, क्या बोलते हैं इसको। क्या था वो प्लेमोंग का टूर्नामेंट में आए, सेकेंड आए, पैसे जीते दो दो 2,500 के आसपास कुछ, फिर भी किसी ने एक फोन खरीद के नहीं दिया कि हाँ भाई ये ले, पीएमसीओ में खेल रहे हो तुम लोग, परफॉर्मेंस अच्छा है, जाओ। साला क्लैन का बात करते हैं, मादरचोद लोग, बहुत दिन से चुप बैठा हूँ मैं, बस देखे जा रहा हूँ कि कितना सेल्फ सेंटर हो सकता है ये लोग। साला लेआउट सेट करने के बाद टाइम तो भाई कॉल आ जाता था 50 बार अल्फा का, भाई ये सेट कर दे वो सेट कर दे, कभी ये कॉल करके नहीं बोल सकता कि हाँ भाई आजा तू भी खेल अपने साथ, तू भी सुबह आ रहा है। अरे नहीं प्रणय भाई, सबको पता चलना चाहिए इन लोगों का असलियत यार, हद होता है एक, मेरे पे सब कुछ ब्लेम, तू क्यों छोड़ा, तू क्यों वो किया, तू क्यों वो किया, तुझे निकाल दिया, तुझे खेलने नहीं लेते हैं, व्हाट द फक। इनका दिन का जितना सुपर चैट आता है मेरा पूरा महीने में नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैं पबजी पीसी सिर्फ अपने लिए नहीं खेला था, सिर्फ अपने लिए नहीं खेला था, मैंने एक ये प्रूफ करने के लिए खेला था कि हाइड्रा क्लैन कोई ऐसे वैसे क्लैन नहीं है, हम लोग सोचते हैं सब कुछ के बारे में। क्या बोला अल्फा ने, मैं चूतिया हूं, ये सुनने को मिला अल्फा से मुझे एंड में ना, कुछ बोलने का मतलब तो रोता रहता हूँ, चूतिया बहन चोत, तेरी अम्मी को जाके बोल बहनडी, चूतिया साला। मैं अपना पॉइंट रखू तो रोना, वो लोग अपने पॉइंट, सबसे ज्यादा तो वो लोग रोते हैं, बिना ऑम बिना M2.9 का खेल नहीं पाते, हर ड्रॉप में ये चाहिए वो चाहिए, अपने को लेना है वो अपने को लेना है, वो मैं करता हूँ या ये लोग करते हैं? नील को ना एप ना कहीं और जाके दिखा, थ्रेड कहीं और जाके दे, समझा, थ्रेड कहीं और जाके दे, मेरे यहाँ पे नहीं, समझा ना। मैं सच मुंह के ऊपर बोल देता हूँ ना, तुम लोगों का गांड पटके चार होता है। बहुत दिन से चुप बैठा हूँ, चुप बैठा हूँ, चुप बैठा हूँ, साला हद होता है भैंचोद, यहाँ पे आके सब कुछ कटालने का। अरे क्लैन का लीडर है चूतिया साला, आज तक एक कुछ कर नहीं पाया, एक डिसीजन पे आ नहीं पाता, अपना सोचता रहता है, फिर बोलता है क्लैन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज ही घंटा भैंचोद, सिर्फ अपना सोचते हो तुम लोग। अब ये हड्डी इमो जो भी नाम है तेरा ना, सुन ले फिर, मेरा नाम रुमन को क्यों लग रखा पता है? बिकॉज मैं मांगने लगा कि मैं अब ओम से खेलूंगा, मैं कार 98 से खेलूंगा, तो जल के चार हो गए उनका कि
ये कैसे ले लेगा, मुझे लेना है, मैं बड़ा आदमी हूं, तो नाम दे दिया कि मैं रोता हूं, समझे, इस वजह से नाम हुआ, और कुछ के लिए नहीं।